हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है प्रिसीजन हैंडलिंग इन पाइथन। तो आप सोच रहे हो कि प्रिसीजन हैंडलिंग ये क्या होता है, हम लोगों ने एरर हैंडलिंग पढ़ी हुई है, हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग पढ़ी हुई है, बट ये प्रिसीजन हैंडलिंग क्या होता है, तो प्रिसीजन का मतलब क्या हो सकता है इसको देखो। अगर हम लोग रियल लाइफ में बात करें तो जब भी हम लोग यहाँ पे शो देख रहे होते हैं जिसमें ओलंपिक्स में आपने देखा होगा बो एंड एरो का यूज, तीर कमान का यूज करा जाता है, जब भी उसमें हम लोग यहाँ पे निशाना मारते हैं तो जो भी हमारा जाके पॉइंट में जहाँ पे भी लगता है हमारा एरो, तो वो क्या होता है, अगर वो जितना ज्यादा हमारे टारगेट के पास रहेगा उतना ज्यादा प्रिसाइज होता है। ठीक है, प्रिसाइज का मतलब और मैं किस तरह से आपको समझाऊं कि जैसे मान लो हमारे पास एक नंबर है 1.25 और दूसरा हमारे पास नंबर है 1.256589 73, तो इसमें कौन सा नंबर प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज मतलब जो बिल्कुल हमें पास ले जाए, एग्जैक्टली हमें हमारे रिजल्ट के आउटपुट के पास ले जाए, तो हमारा दूसरा वाला नंबर है क्योंकि उसमें डेसिमल पॉइंट के पास ज्यादा डिजिट लिखी हुई है, तो वही हमारा उस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि प्रिसीजन का मतलब क्या हो सकता है। तो हम लोग का आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, प्रिसीजन हैंडलिंग इन पाइथन। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे प्रिसीजन हैंडलिंग क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसको हम लोग किन किन यहाँ पे फंक्शन से यूज कर सकते हैं, उन फंक्शन का क्या काम होता है, उसे कैसे हम लोग प्रिसीजन यहाँ पे किसी भी हमारे ऑब्जेक्ट का किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का डिसाइड कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं प्रिसीजन। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं। तो हमारा आज का टास्क क्या होगा, प्रिसीजन हैंडलिंग इन पाइथन, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने दो लाइन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि पाइथन हमेशा हमें अलाउ करता है कि हम लोग किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की जो प्रिसीजन है, मतलब 1.25 जो पॉइंट के बाद लिखे हुए नंबर हैं उनको कैसे हमें यहाँ पे कह सकते हो रिजॉल्व करना है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रिसीजन हैंडलिंग कहते हैं। तो हम लोग उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके कई सारे तरीके हम लोग को पाइथन में मिल जाते हैं, उन सारे के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन यूज करते हैं जो कि मैथ मॉड्यूल के अंदर है, तो हम लोग इनको किस तरह से यूज करने वाले हैं हम लोग ये यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे पहले फंक्शन पे। तो पहला फंक्शन है हमारा ट्रंकेट। तो ट्रंकेट फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमारा यूज होता है ताकि हम जितना भी डेसिमल पार्ट है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पे उसको हटाने में, उसको हटाने में कैसे, यह देखो हम लोग का मान लो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि 1.25555, ये अगर हमारी f की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा एक वेरिएबल था f नाम का, उसमें ये वैल्यू थी, अगर हम f को प्रिंट करें तो देखो 1.255 इस तरह से प्रिंट कर रहा है, बट अगर हमें इसकी सिर्फ इंटीजर पार्ट चाहिए हो, हमें इसका डेसिमल पार्ट ना चाहिए हो, तो वहां पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वहां पे हम लोग अपना ट्रंकेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन जो है ये यूज होता है ताकि हम जितने भी डेसिमल पार्ट हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का उसको एलिमिनेट कर सकें और रिटर्न क्या करें, इंटीजर बिना डेसिमल पार्ट के। तो हमारे इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा सिर्फ, तो हम यहाँ पे ट्रंक का यूज कर सकते हैं। मैथ मॉड्यूल का ही होते हैं सारे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को पूरा पूरा इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है, इसका एक एक करके यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे ट्रंकेट पे। तो देखो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1.25555 था, बट अभी हमें यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर यहाँ पे इंपोर्ट मैथ करोगे तो मैथ डॉट ट्रंक लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे समझ गए कि ट्रंक का मतलब क्या होता है। तो इसमें प्रिसीजन हैंडलिंग कैसे हुई, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हैंडल करा प्रिसीजन, जो भी प्रिसीजन मेरा आउटपुट की ओर जा रहा था, हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हैंडल कर लिया, हमने इसको 1 बना लिया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी खासियत होती है प्रिसीजन हैंडलिंग की। दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास सील फंक्शन। सील फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन हमें प्रिंट करता है लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन द गिवन नंबर। अब इसका अगर मैं आपको यहाँ पे साफ शब्दों में समझाऊं, अगर ए में वैल्यू पड़ी है 1.25, तो इसकी सीलिंग वैल्यू क्या होगी, आप इसको इस तरह से समझो कि यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये जमीन है और यहाँ ऊपर जो है हमारी सीलिंग है। तो अगर मैं किसी नंबर के बारे में बात करूँ, जैसे मेरी जमीन पे एक नंबर पड़ा है 1। ठीक है, तो 1.25 कहाँ होगा, 1.25 यहाँ कहीं होगा, 1.75 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि 1.25 मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू रखी हुई है, अब मैं इसकी सीलिंग वैल्यू पता करना चाहता हूँ, तो इसकी सीलिंग वैल्यू कैसे पता चलेगी, आप ही बताओ। सीलिंग वैल्यू क्या हो सकती है, जो सील हो छत, तो छत क्या होगा, 1 जो है फ्लोर है, तो उसकी छत क्या होगी, 2 होगी, तो 1.25 की सीलिंग क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो सील वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 1.25 की 2 मिल जाएगी। बट यहीं पे अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को 1.75 कर दूँ, तो इस केस में भी हमारी जो भी सीलिंग वैल्यू है वो तो वही रहेगी ना, 2 ही रहेगी। तो इसका मतलब ये हो क्या रहा है कि ये हमें क्या प्रिंट करेगा, लीस्ट इंटीजर जो बड़ा हो किसी गिवन नंबर से, इसका मतलब 1.75 है, इससे बड़ा क्या है, 2। इंटीजर वैल्यू क्या है, इससे बड़ी है, इससे बड़ी इंटीजर वैल्यू 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सील फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारा फ्लोर फंक्शन। तो ये क्या करता है, बिल्कुल अपोजिट करेगा, क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन द गिवन इंटीजर, मतलब जो हमें यहाँ पे ए में वैल्यू पड़ी है 1.75, अगर हमें इसका फ्लोर निकालना हो तो 1.75 यहाँ कहीं होगा,
जमीन पे, यहाँ पे फ्लोर पे क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, ऊपर सीलिंग पे क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, तो 1.75 यहाँ पे। अब इसका फ्लोर निकालना, तो इसका फ्लोर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं फ्लोर ऑफ ए लिखे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इवन अगर ए की वैल्यू 1.25 है और अगर हम यहाँ पे अब इसका फ्लोर निकालना चाहें तो हमें अभी भी 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू कर दें 1.99999999 और अब हम इसकी अगर फ्लोर वैल्यू निकालें तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि फ्लोर और सीलिंग क्या होता है ये मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता दिया। सील का देता है लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन द गिवन नंबर और फ्लोर का देता है ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन द गिवन नंबर। तो यहाँ पे अब आपको ट्रंकेट, सील और फ्लोर फंक्शन का यूज समझ में आ गया होगा, जो कि मैथ मॉड्यूल का ही हमारे पार्ट है और प्रिसीजन हैंडलिंग में हमारे काम आते हैं। अब आते हैं कि कैसे हम लोग सेट कर सकते हैं प्रिसीजन किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि हम लोग कैसे यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इसका इंटीजर पार्ट निकाल लेते हैं, कैसे हम लोग जो है इसकी सीलिंग वैल्यू, इसकी फ्लोर वैल्यू निकालना है। बट क्या ये इतना ही होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में, जो आपने नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ी है। अगर मैं इससे कहूँ कि आप इसको राउंड ऑफ करो तो राउंड ऑफ क्या होगा, 1.26 हो जाएगा ना, अगर हम यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक की बात कर रहे हैं। तो जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होते हैं इसको कैसे डिफाइन करना है पाइथन में, अब ये सीखते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है कि वेज टू सेट प्रिसीजन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है। तो इसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि परसेंटेज का यूज कर लेते हैं, दूसरा फॉर्मेट का यूज कर लेते हैं, तीसरा हम लोग राउंड फंक्शन का यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने परसेंट वाले मेथड पे। तो ये क्या बता रहा है कि परसेंट ऑपरेटर जो होता है इसको यूज करा जाता है ताकि हम लोग फॉर्मेट कर सकें और सेट कर सकें प्रिसीजन को पाइथन प्रोग्रामिंग में। अब ये सिमिलर है प्रिंटेफ स्टेटमेंट के तरीके जो हम लोग यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। कैसे यूज करते थे, प्रिंटेफ और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिखते थे परसेंटेज टी। लोग मैं आपको लिख के भी दिखाता हूँ क्या कैसे होता था। लिखते थे हम लोग प्रिंटेफ, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग प्रिसीजन सेट करते थे परसेंट डी, ठीक है, कॉमा, अब कोई भी इंटीजर वैल्यू, मान लो ए में 10 पड़ा है तो ए ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं परसेंट ऑपरेटर को। तो परसेंट को कैसे यूज करना है इसका मैं एग्जांपल अभी आपको नीचे बताने वाला हूँ। फिर दूसरा हमारा मेथड क्या होता है, फॉर्मेट मेथड होता है। असल में मैंने परसेंट और फॉर्मेट और ये सारे मेथड प्रिंट स्टेटमेंट में आपको समझा रखे हैं, तो मैं उसका आपको यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करने पर आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, तो उसको जरूर देखें क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही डीपली समझाया हुआ परसेंट का हम लोग किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट का किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को कह सकते हो किसी भी पर्टिकुलर डेसिमल पॉइंट तक जो है फिक्स करने में, ठीक है, उसको प्रिंट करने में मैंने आपको पहले से बता रखा है। दूसरा मेथड है हमारा फॉर्मेट मेथड। इसमें क्या होता है, एक दूसरा मेथड होता है जिसमें हम लोग डॉट फॉर्मेट का यूज करके जो है अपनी स्ट्रिंग में प्रिसीजन डालते हैं। तीसरा होता है राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन का यूज तो सभी जानते हैं कि हमने कोई वैल्यू एक्स दी उसको एन डेसिमल प्लेस तक जो है राउंड ऑफ कर दो। तो हमसे 2 आर्ग्यूमेंट लेता है, कौन कौन से, एक हमारा नंबर और दूसरा हमें कब कहाँ तक उसे जो है राउंड ऑफ करना है, उसका प्रिसीजन मांगता है, एन में स्टोर होता है। जल्दी जल्दी इसको उठा के देख लेते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं इसको शेल पे दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि प्रिंट करो फलाना चीज, फिर यहाँ पे परसेंट ए। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस परसेंट, परसेंट का मतलब क्या है, इस परसेंट को देखो कि कहीं आगे है क्या, यहाँ पे है, तो मतलब ए की वैल्यू जो है अब इसको रिप्लेस करने वाली है। अब ए में मान लो मेरे कुछ भी पड़ा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे ए में लिख दूँ 1.2565, ठीक है, अब मैं अगर ये लाइन लिखता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ए को 2 डेसिमल पॉइंट तक जो है फिक्स करना है। मैं चाहता हूँ कि मुझे जो भी आंसर मिले वो 2 डेसिमल पॉइंट तक मिले। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1.26 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 1.26 आना चाहिए। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि परसेंटेज, परसेंटेज मतलब यहाँ पे ए, तो ए की वैल्यू जो है वो प्रिंट करनी है 0.2 डेसिमल प्लेस तक, तो 1.26 आ जाएगा। और एफ मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट, तो परसेंट एफ हम लोग एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू के लिए परसेंटेज डी यूज करते हैं, जैसा मैंने प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी आपको दिखाया था, ठीक है। तो परसेंट एफ मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, उस फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को 0.2 डेसिमल प्लेस तक शिफ्ट कर दो, मतलब उसके 0.2 डेसिमल प्लेस हमें आंसर दे दो। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1.26। अब अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ 3 डेसिमल प्लेस तक लेना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 0.3 एफ लिख दूंगा, तो मेरा आंसर 1.256, 3 डेसिमल प्लेस तक आ गया, मतलब 3 हमारे नंबर आ गए डेसिमल के, ठीक है। ये था पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, हम लोग डॉट फॉर्मेट का यूज करेंगे। डॉट फॉर्मेट का कैसे यूज कर सकते हैं, अब देखो हम लोगों ने क्या करा है, यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगाए हैं। तो जब भी हम लोग डॉट फॉर्मेट में कोई चीज प्रिंट करना चाहते हैं पहले इसको हटाते हैं। पहले मान लो हमें ए की वैल्यू प्रिंट करनी है तो कैसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट, यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स लगाए। अब इस ब्रैकेट की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, जो भी फॉर्मेट के अंदर लिखा होगा, तो क्या लिखा है, फॉर्मेट के अंदर ए लिखा हुआ, तो ए जो है इस ब्रैकेट को रिप्लेस करेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.2565, जो कि हमारी ए की वैल्यू है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम चीज लिख रहे हैं बट यहाँ पे हमें इसको 2 डेसिमल प्लेस तक जो है शिफ्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 0:0
पॉइंट टू एफ, तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल इसी तरीके सिमिलर है, पॉइंट थ्री एफ पॉइंट टू एफ मतलब वही है कि पॉइंट टू डेसिमल प्लेस तक इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को क्या करो, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो या फिर कह दो सेट कर सकते हो इसका प्रिसीजन। और अगर मान लो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ वैल्यूज ऐड करनी है तो वहाँ पे जीरो ऐड कर देना, ठीक है। तो अब जीरो का मैं आपको आपको यूज जो है जस्ट एक मिनट बाद बताता हूँ। अभी आप इसका मतलब समझो कि यहाँ पे अगर मैंने ये लिखा हो, जैसे मैं एंटर करूँगा तो 1.26 आंसर मिला जो कि पहले मिल रहा था। अब यहाँ पे हम लोग जीरो अगर लिख भी देते तो क्या फर्क पड़ जाता, तो अभी तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता जीरो लिखने का, हमारा आंसर, सॉरी मैंने एंटर दबा दिया, यहाँ पे अगर मैं जीरो लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर हमारा वही आने वाला है। तो इसका मतलब जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे सेट करने वाले हैं कितनी यहाँ पे जगह होगी। तो अगर मान लो कि अगर हम यहाँ पे सेम लाइन लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि 6.2f, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसके पीछे देखो एक दो, अब यहाँ पे हमारे सिक्स ब्लॉक बन गए, दो ये, फिर उसके बाद कौन सा ब्लॉक आया, तीन चार पाँच छः, तो हमारे छः ब्लॉक हो गए। उसमें टू डेसिमल पॉइंट तक हमारी वैल्यूज को रख दो, तो हम लोगों ने क्या लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जीरो से अक्सर रिप्लेस हो जाता है, ठीक। तो 6.2f का मतलब क्या है कि छह ब्लॉक बन गए और पॉइंट टू, बट अपने केस में यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा था, यहाँ पर सिंपली पॉइंट टू एफ लिखा हुआ है, पॉइंट टू एफ लिखा है मतलब अप टू टू डेसिमल प्लेस तक। अगर यहाँ पर सिक्स लिख दोगे तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स बन जाएंगे और उसमें जो है हम लोग की वैल्यूज फिल होने चालू हो जाएंगी। फिर आते हैं यहाँ पे तीसरे पे, तीसरा है हमारा राउंड फंक्शन। तो राउंड फंक्शन तो सर्वज्ञानी है, इसको सब पता है। राउंड फंक्शन क्या कहता है, कोई भी हमसे नंबर लेगा, अब उसको जितने भी हमें डेसिमल प्लेस तक जो है सेट करना है, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे टू लिख सकते हैं, थ्री लिख सकते हैं। तो मान लो अपना टू लिखा तो 1.26 आंसर आ गया, और वहीं पर अगर हम राउंड फंक्शन में यहाँ पे वैल्यू जो है थ्री पास कर दें तो हमें तीन डेसिमल प्लेस तक हमें आंसर मिल जाएगा 1.256। तो हमारे तीन तरीके थे, कौन से थे, तीन तरीके प्रिसीजन हैंडलिंग को समझने के। अब हम उसको मैथ मॉड्यूल का यूज करके कौन कौन से तीन तरीके यूज कर सकते हैं, ट्रंकेट, सील और फ्लोट फंक्शन। फिर इसके बाद अगर हमें यहाँ पे ऑपरेटर्स का यूज करना होता है, यहाँ पे परसेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, उसमें मैंने तीन आपको एग्जाम्पल भी समझा दिए हैं। तो अगर आपको और इनके बारे में पढ़ना है, परसेंट फॉर्मेट इन सब के बारे में, तो आप जो है मैं एक वीडियो आई बटन दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, दोनों जगह आप जा सकते हैं आराम से देख सकते हैं। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको देख लोगे तो आपको ये सारे डाउट समझ में आ जाएंगे। उसमें मैंने एक एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे जीरो का यूज होगा, कैसे सिक्स का यूज होगा, 6.2 का क्या काम होता है, 0:6.2 का क्या काम होता है, सब मैंने एग्जाम्पल दे दे के आपको वहाँ पे बता रखा है।